तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज आप देख पा रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ यार, कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। तो बता दूँ पूरी बात आपको, आज मैं ऐसे घर को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ जो कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। इससे 200 से 300 मीटर की दूरी पर है एक मेन रोड, ठीक है ना, जो कि पूरी जंगल की तरफ पड़ती है। इसके आगे गांव है बहुत दूर, ठीक है ना, और 200-300 मीटर की दूरी पे यहाँ पे रोड है जिसके पास में टच होता हुआ या मकान है। जंगल इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसके आसपास में बिल्कुल जंगल ही है, ठीक है ना। तो ये घर हॉन्टेड क्यों है, ठीक है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसकी स्टोरी भी काफ़ी अलग, काफ़ी पेचीदा है यार, ठीक है। लेकिन आज क्या होने वाला ना, आज मैं हिस्टोरी जो पहले यहाँ पे हुआ था उसकी पूरी 100% वाली हिस्टोरी जब पता कर लूँगा ना, उसके बाद ही बताऊँगा मैं। तो आज मैं इसकी स्टोरी नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। पहली बार ऐसा हो रहा होगा यार कि मैं आपको स्टोरी नहीं बताने वाला इसकी क्योंकि मुझे अभी कुछ कंफर्म नहीं है पूरा तरीके से। फिलहाल जो यहाँ पे अभी जो हो रहा है ना उससे मतलब है मुझे भाई, उससे मतलब क्यों है, क्योंकि इस घर के अंदर एक ऐसी चीज़ है ना जो कि एक लड़के के अंदर हावी हो चुकी है, उसके अंदर प्रवेश हो चुकी है। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं यार, इसलिए मैं आया हूँ। स्पेशली हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है ये लोकेशन, ये घर और ये घर वाले, ठीक है ना। आज मेरा था, ठीक है, मैं और साहिल भाई कब्रिस्तान गए थे अम्मी के मज़ार पे, तो वहीं पे मेरे को मिल गए थे भाई ये जो भाई यहाँ पे रहने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा एक छोटा भाई है, उसके साथ में कुछ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और उस पता नहीं उसके साथ में एक्चुअल में है क्या चीज़ या क्या हुआ यार। लेकिन जब से उसके साथ में ये चीज़ हुई ना, घर भी हमें अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे आसपास में क्यों है, कोई है। और रात को भी ऑटोमेटिक है ना काफ़ी चीज़ें हिलने लगती है, काफ़ी एक्टिविटी होती है, और एक है ना बहुत ही अदृश्य शक्ति यार है ना आभास होता है हमें के, ठीक है। सबसे पहले हम अंदर चलते हैं, उनका इंटरव्यू हमने नहीं लिया यार क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार हम उनका फेस दिखाएं, ठीक है ना। जैसे तैसे हमने इस वीडियो बनाने की परमिशन ली क्योंकि यार अंदर जो होगा ना हम तीनों के बीच में होगा, तीनों के बीच मतलब मैं और साहिल भाई और जो अंदर जो बंदा उससे जूझ रहा है ना वो बंदा, उसके अलावा एक कैमरा होगा यार जो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। और आप सभी लोग जो काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है ना, आज शायद काफ़ी तर लोग इस चीज़ को इस वीडियो के थ्रू मान ले हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए अंदर की ओर चलते हैं, ठीक है। भैया आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। से चाबी किसको दी थी, मेरे को या तुम्हें? मेरे पास तो नहीं है भाई, आपके पास है क्या? हाँ हाँ, ये रही ये रही। दरवाजा अंदर 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 भाई, क्या चीज़ थी वो? हाँ? समझ नहीं। मैं कौन था? लेडी और
घर तो ठीक है। हाँ बस सामने को बैठे, सामने को। हाँ भाई बस जो लड़का अभी यहाँ से गया है ना, ये लड़का वही है जिसके अंदर वो अदृश्य शक्ति है ना, जिसने वास कर रखा। ओए भाई कैसे है ये, देखो भाई इस तरफ गया, वो इस तरफ से कैसे वो आवाज है। नोटिस हाँ इसके और भी आवाज आ रही है। कौन है? आवाज आ रही है भाई, इस तरफ रुक गया है, उसको देखो हम तो क्या थी। आवाज आ रही है भाई, ध्यान से। हाँ बेटा अंदर ही आए तो। ओए ये क्या हुआ आपको भाई, कैसे बैठे भाई ध्यान से भाई, ये एकदम से क्या हुआ आपको भाई, हाथ में लगा नहीं सक भाई, ध्यान से तस्वीर पढ़ते रहो, क्या पता क्या भाई, ध्यान से क्या हुआ आपको। हेलो इस तरफ जल्दी उठो, क्या हुआ भाई, उठो जल्दी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आपको। एक सेकंड सलमान भाई, कि यहाँ आए तो फिर बाहर कौन कर रहा है ये भाई, देखो आज भाई देखो क्या हुआ बेटा आपके साथ, इधर हमारा क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, पूरी बॉडी बैठा पड़ रहा है भाई। कौन बेटा आप, क्या हुआ आपको, खड़े हो यहाँ से, खड़े हो पीछे, खड़े हो भाई पीछे से, खड़े हो क्योंकि बहुत डेंजर लग रहा है मेरे को। खड़ो खड़े हो भाई, देखो भाई आवाज कैसे आ रही है, खड़ो भाई खड़ो भाई, आवाज देखो भाई ध्यान से। ओ भाई भाई क्या हो रहा है भैया, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। हाँ भाई भाई कोई है सलमान भाई, भाई देखो भाई कौन है भाई, अंदर कौन है, देखो फुट पे काबू रखो, क्या नाम है आपका। हेलो भाई इसको छोड़ो, वो और भी है कोई, इसको मतलब इस पे मैं बोल रहा हूँ, अंदर और भी कोई है, और भी कोई है भाई, इस पे हावी हो रखी है वो, मैंने कोई और है यार भाई, इसको पकड़ो भाई, किस भाई भाई भाई, क्या नाम आपका। हेलो हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा भाई भाई, कुछ नहीं होगा, हेलो कुछ नहीं होगा, ओ तेरी ओए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ चुप हो जाओ भाई, रुको चुप हो जाओ ओए भाई ओए ओए, काम कर रहे हो सर, कोई है भाई सुनो, मैं कोई है अंदर भाई, ये खिड़की हो ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रही थी, देखो भाई दूसरी पट रहे भाई, कौन है इसके पीछे, कुछ चीज खड़ी है, कुछ चीज खड़ी इसके पीछे भाई, जानते
गेट देखा आपने? वही देखो देखो मेन रोड ही देखो। कोने बार भाई एक सेकेंड। हाँ ये ठीक है यार कौन है? ओए 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 पकड़ो इसको पकड़ो। सुनो इसको सुनो इसको ओए 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 भालो अलग ये नीति यहाँ पे कोई हल्की हल्की चीज नहीं है। हाँ भाई जिन्नात है ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। हाँ भाई जिन्नात है भाई बहुत ही भयानक है व्यू का पर्चा आवाज एक्टिविटी पूरी पर्चा भाई भाई ओ ठीक नहीं कौन है यहाँ पे? कौन है? रुको एक मिनट चारों तरफ
सराउंड जरूर नजर को। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? वो कुछ इसका? हाँ? कुछ क्या बताने चल रहे हो? हाँ? वो क्या है? कौन है यहाँ? हाँ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? भाई, एक सेकंड रुको ना। वैसे मेरा काम है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हिम्मत करके आया हूँ, क्योंकि मेरी जिद थी और भाई की जिद थी, इसलिए यार। वरना मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता, क्योंकि यार ये मेरे लिए भी रिस्क है और उसके लिए भी रिस्क है। एक वो चीज इतनी आसानी से छोड़ने वाली? चल भाई, ये तस्वीर फोड़ो। इसकी जेब में है ना, वो रखना। इधर देखो, देखो भाई, क्या तुम मेरे को पता है? लारू चीज जिम इसके अंदर, देखो सर भाई, ऑलरेडी वो चीज इसके अंदर है, देखो, ठीक है ना? तो अपने नहीं केवल उस चीज़ को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ। कोई आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई ऐसी चीज़ के अंदर होती है ना, शायद हाँ। अभी पर निकाल पाते उसको, लेकिन बस ये ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों की सोच से हमेशा परे रही है, ठीक है? जिन जिन्नात एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक के ऊपर अगर हावी हो जाए ना, शरीर में एंटर हो जाए, मैं खुद इस चीज़ से भुगता हुआ हूँ भाई, इतनी आसानी से वो चीज़ पीछे नहीं छोड़ती है। और भाई अपना काम कुछ करना पड़ेगा, ठीक है भाई यार। सबसे पहले इनको ना कुरान का निकलना चाहिए कल, हाँ है ना? इधर वालों को बुला लेते भाई, हाँ पुलवामा में करना पड़ेगा बाहर निकल के, ठीक है? 12:30 बज गई, क्योंकि 3 बजे तक है ना वो चीज़ इन पर बहुत हावी, बहुत तरीके से मेरे निकलो मेरे वहाँ से, डाउन करो। हाँ यार, ये करवा ले, तो ये गलती बहुत बड़ी करते हैं।
देखो एक तरीके से शांत हो गया है ना। बाहर चलिए बम कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। उनका फेस में दिखा नहीं सकता, उन्होंने सख्त मना किया है, इसलिए फिलहाल कोशिश जारी रही है हमारी भी, ठीक है जितना मेरे से होगा। बाकी आप इस भाई के लिए दुआ करें यार, क्योंकि इसके फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा टेंशन के अंदर है यार, ठीक है। इसकी माँ का बहुत बुरा हाल है, रो के यार दुआ करो कि बहुत जल्द ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए और इस घर के अंदर जो चीज़ है ना फिर इस उससे मैं से निपट लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उस कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म करते हैं वो चीज़ तो पास में आएगी नहीं, क्योंकि तब तक वो तावीज़ के अंदर, तब तक जो इसके अंदर इस चीज़ का सेल है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगी। इसके अलावा एक और जो चीज़ है ना वो इसके आसपास नहीं आएगी, ठीक है। खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। मुझे बुलाते हैं मोटर। चलो खोल करो सेल्विन को। हाँ खोल करो, सेल्विन छोड़ सकते हैं। अरे तो कैमरा करता हूँ। हाँ भाई ठीक है।